स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पांडा आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। अभी अभी इनकम टैक्स इंडिया का द्वारा प्रेस रिलीज आया है, उसमें दोबारा TDS का जो रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है, उसके साथ TDS का सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं फॉर्म 16, उसका भी डेट एक्सटेंशन किया गया है। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। इस तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चलते हैं टॉपिक का। आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स का प्रेस रिलीज है। इसमें सेकेंड नंबर जो पॉइंट है ये TDS का ऊपर है। TDS जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं फॉर फिनंशियल ईयर 2021 Q4 का जो ड्यू डेट था 31 मई 2021, वो डेट को एक्सटेंशन करके किया गया था 30 जून 2021। उसको फिर दोबारा एक्सटेंशन किया गया है, वो डेट को अभी कर दिया गया है 15 जुलाई 2021। यानी इसी बीच में आप TDS का रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही TDS का रिटर्न ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है तो ऑब्वियसली आपका TDS सर्टिफिकेट का भी इशू जो है वो डेट भी एक्सटेंशन होना ही था। जो फॉर्म 16 है उसका भी डेट एक्सटेंशन करके 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। जो लोग TDS रिटर्न नहीं फाइलिंग कर पाए अभी फाइलिंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स का पोर्टल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल आया है उसमें TDS अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रहा है। मेरा सजेशन ये है कि आप ऑफलाइन मोड में कर दीजिए TDS रिटर्न, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो इस बार जो प्रेस रिलीज आया है बहुत सारा इसमें पॉइंट डिस्कशन हुआ है। इस प्रेस रिलीज को मेरा जो टेलीग्राम चैनल में मैं वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख पाएंगे। मेरा टेलीग्राम का चैनल का नाम है रंजन कुमार पांडा, जिस नाम में यूट्यूब का नाम चैनल है उसी नाम में टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर देख पाएंगे प्रेस रिलीज जो आज का डेट में आया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इतने फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।